देखें कोई भी पुलिस का पदाधिकारी हो आप जैसे आईजी हैं एसपी हैं डीआईजी हैं या डीएसपी हैं या थाना का प्रभारी हैं है ना प्रभारी हैं तो जितने भी ये सारे अधिकारी हैं आप अगर किसी पर आरोप लगा रहे हैं तो जो उसका प्रक्रिया है वो तो फॉलो करना होगा मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति अगर जाली दस्तावेज बना लेता है, है ना और वो जाली यानी कागजात बनाकर जो है ठीक है वो जाली कागजात यानी गलत जानकारी कोर्ट में भी दे रहा है तो अभी जब तक वो साबित नहीं होगा कि वो जाली है तब तक वो जाली नहीं माना जाएगा आप जान रहे हैं कि वो गलत है जाली है लेकिन जो वो कोर्ट में पेश किया गया तो वहां पर अगर वो गलत है तो उसको वहां गलत साबित करना पड़ेगा हाँ अगर वो गलत साबित होता है तो फिर उस पर जो है आईपीसी है तो फिर उस पर जो है आईपीसी का जो है धारा चार के तहत जो है जालसाजी का मुकदमा चला जाएगा है ना और जो कि यह अपराध होता है जालसाजी का जो मुकदमा है वह एक अपराध होता है और अगर ऐसा कोई करेगा मान लेते हैं तो फिर उसको सजा का भी प्रावधान है साथ में आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है और उसके साथ साथ मान लेते हैं कि बहुत बड़ा जालसाजी अगर कोई व्यक्ति कर दिया है तो उस पर जो है यानी धारा 420 का भी लोग मुकदमा दर्ज कराते हैं चार सौ सड़सठ चार ये सभी जो है सभी के तहत जो है एक तरह से मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसके बाद जो भी सजा का प्रावधान है वो सजा भी दिया जाता है तो इसीलिए अगर कोई लेकिन जालसाजी करता है कोई भी कुछ भी गलत जो है यानी फर्जी दस्तावेज बनाता है उसको कोर्ट में पेश भी करता है तो वो उसको पहले साबित करती है तभी आगे उसका कुछ प्रोसेस किया जा सकता है अब कोर्ट में जो है जो सबूत पेश किया गया तो जो आपके आपके जो वकील हैं उनके द्वारा जो पक्ष रखा जाएगा तो उस बात को वहां पर क्लियर कर दिया जाएगा कि ये किस तरीके से बनाया गया क्या सही है तो उसका फिर उसको वेरीफाई करने के बाद अगर वो एक तरह से जाली प, आ, पता चलता है कि वो जाली है तो फिर उस पर जालसाजी का भी मुकदमा चलाया जा सकता है सवाल है कि कोई फरियादी अगर कोर्ट एफिडेविट में गलत नंबर जो है रिकॉर्ड गलत गुड्स की गिनती और जो है सच बयान नहीं बोलता देखें सच बयान या झूठ बयान वो साबित पे ही डिपेंड होता है और उसके खिलाफ आई जी एस डीआईजी इन तीनों में से कौन से जगह पर शिकायत करा सकते हैं देखें शिकायत कराने के लिए सबसे पहली बात है कि जो पूरा प्रोसेस होता है अगर आप किसी के खिलाफ एफ ही दर्ज कराएंगे तो आप नजदीकी थाना में पहले जाएंगे हाँ ठीक है कि वहां पर अगर आपका एफ दर्ज नहीं किया नहीं किया जाता है तो उसके बाद क्या करना होगा लेकिन सबसे पहले तो आपको नजदीकी थाना में ही जाना होगा और वहां पर एफ एफ दर्ज करा सकते हैं साथ में अगर मान लेते हैं कोई गलत है तो आप उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं है ना उसके खिलाफ डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जो है आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये गलत तरीके से इस सारा कार्य किया गया इसके खिलाफ जो भी धारा है उसमें है, है ना वकील से बात करेंगे आप जो भी जो वहां लगेगा सिचुएशन के हिसाब से उनके वो जो किया गया है फ्रॉड के हिसाब से जो भी धारा उसके अंतर्गत आता होगा तो उसके द्वारा जो है केस दर्ज किया जाएगा फिर सवाल है कि सर मैंने एक प्लॉट सेल जो है करा है बट उसमें जो चेक रिसीव हुआ है ना वो डिस ऑनर हो गया है तो मैं कितने टाइम पीरियड में जो है यहाँ पर नोटिस सेंड कर सकता हूँ मेरी रजिस्ट्री पांच कर सकता हूँ मेरी रजिस्ट्री पांच सितंबर को ही चोक यहाँ पर चेक जो है अट्ठाईस सेप्टेम्बर को ठीक है अगर ऐसा हुआ है तो आप कम से कम तीन माह के भीतर जो है ये सारा प्रक्रिया करा लें हो सकता है कि जो आपका ऐसा हुआ है तो वो सारा सॉल्व आउट हो जाए इसलिए ज्यादा समय नहीं हुआ लेकिन आपको लगता है कि अब ऐसा सॉल्व आउट नहीं होने वाला है तो आप उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ जो है केस फाइल करेंगे उसमें आपको विलंब नहीं करना चाहिए सवाल है कि सर मेरे दादा तीन भाई थे उसमें से दो के नाम जो है यहाँ पर जमीन चढ़ गई थी बट मेरे दादा का नाम नहीं चढ़ी चड़, कुछ नंबर की अब क्या करें देखें इसके लिए होता है कि टाइटल का दावा करते हैं कि इसलिए कि दादा जो है वो तीन भाई थे तो अब वो तीनों के नाम जो है यानी इनके जो भी भाई होंगे ये भाई होंगे और एक भाई होंगे तो ये सभी हिस्सेदार हैं ये आपके दादा है मान लेते हैं तो अब ये दो का नाम चला इनका आपका नहीं चरा आपके दादा का या पूरा नहीं चरा जो भी कारण रहा होगा लेकिन अगर ये हिस्सेदार हैं तो सभी का और इनको अभी समस्या उत्पन्न हो रहा तो ये सिविल कोर्ट में जो है वो टाइटल का दावा करेंगे इसलिए कि ये संपत्ति के हकदार हैं तो बंसावली के हिसाब से टाइटल का दावा करेंगे और इनको जो भी हक है वो मिलेगा और साथ में इनका नाम भी चढ़ेगा सवाल है कि सर जी मेरे दादा जो है पड़ोसी से उन्नीस में जमीन बाय किए रजिस्ट्री की अब उसका जो है पोता जमीन सेल कर दिया रसीद मेरे दादाजी के नाम से है जो है कट रहा है और पड़ोसी जो है खतियान देखकर कर सेल कर दिया है तो क्या किया जाए देखें 1956 में यह सारा प्रक्रिया किया गया जमीन जो है एक तरह से रजिस्ट्री किया गया ठीक है अब पोता मान लेते हैं कि जमीन सेल कर दिया है और अभी जो है रसीद अगर मान लेते हैं कि आपके दादा के नाम से कट रहा है ना तो उसी जमीन को बेच दिया गया करना दाखिल खारिज पर रोक लगा देना दाखिल यानी जो भी उसका मोटेशन होगा जमीन जो बेचा गया उसका जो मोटेशन होगा मोटेशन पर आपको आपत्ति दर्ज कराना है कि जमीन पहले आप खरीद कर चुके हैं और आज आप रसीद भी कटा लिए हैं तो इसमें कुछ नहीं होने वाला है और वो जो रजिस्ट्री किया एक तरह से ले लिया है अगर उसका रजिस्ट्री हो गया है तो उसका दाखिल खारिज तो होगा ही नहीं तो ऐसे ही रजिस्ट्री का कोई मान्यता नहीं होगा ठीक है अगर कोई ज्यादा समस्या उत्पन्न करेगा वो आपको तो आप उसके खिलाफ जो है केस फाइल करके उसका रजिस्ट्री भी कैंसिल करवा सकते हैं सवाल है कि सर हमने एक जमीन खरीदा था और जिस आदमी से खरीदा था उसने तो वहां जमीन जो है हमें बेच दी लेकिन पंद्रह साल बाद मतलब अभी वहां जमीन किसी जो है और के नाम पर जो है वो निकल गई है तो हम क्या कर सकते हैं कोई कानूनी हल या कोई सलूशन है कोई कानूनी हल या कोई सलूशन है तो प्लीज कमेंट का रिप्लाई दीजिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी देखें आप अगर आप जो जमीन है वो जो खरीदा गया था जो भी आदमी से खरीदा गया था ठीक है लेकिन पंद्रह साल का जो बात है अब है कि जो बेचा वो किसी और के नाम से अगर वो जमीन कैसे निकल गया सबसे बड़ी बात है अब रही बात की जो जमीन को बेचा गया है ना जो जमीन को बेचा गया अब वो अगर उसका पुराना मालिक जो है कोई और है तो पुराना मालिक अगर हक का दावा करेगा तो यहां आप क्या कर सकते हैं तो आप जिससे जमीन खरीदे उस पे वर्तमान जो कीमत है उस हिसाब से पैसे की मांग कर सकते हैं साथ में आपका जो एक तरह से कोर्ट से वे भी आपको देना होगा कि इसलिए आप जो कोर्ट केस में खर्च की सारा प्रक्रिया में जो आप अभी रहा यह ठीक है पुराना मालिक निकल कर चल आया है सारा है अभी वर्तमान में आप उस संपत्ति के मालिक हैं और पुराना मालिक को कब्जा तो आप करने किसी भी हालत में नहीं देंगे जो भी होना होगा वो कोर्ट के निर्णय के बाद होगा यानी ये भी आपको प्रयास करना है कि संपत्ति को कोई कब्जा ना कर ले सवाल हमें एक बात समझनी है कि आपसे दो भाइयों में घर का बंटवारा पंचायत से हुआ है और उस फैसले का स्टाम्प पेपर पर लिखित समझौता हुआ दोनों भाइयों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं गांव के प्रधान समेत कुल पांच लोगों के गवाह के तौर पे हस्ताक्षर हैं तो वो मान्य होगा कि नहीं कृपया इस बारे में बताएं देखे बिल्कुल वो मान्य होगा उसका मान्यता है अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो अगर उस बंटवारा को आप मानते हैं और उस आधार होते हैं उस आधार अलग होकर अपना दाखिल खारिज अलग अलग कराते हैं पंचायत का जो बंटवारा हुआ है ना पंचनामा हुआ उस आधार पर अगर आप सब कुछ कराते हैं तो उसका मान्यता होगा ठीक है अन्यथा जो है यहां पर अगर आप उसको नहीं मानते हैं तो फिर उसका मान्यता नहीं हुआ सवाल है कि सर आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि हम सरकार को 50 साल से टैक्स दे रहे मेरे पिताजी के नाम से जमाबंदी के वाला है अफसोस हुआ जमीन दूसरा कोई जोत कर खा रहा है क्या संभव है कि वह जमीन मेरा हो जाए ना गोली ना लाठी सिर्फ कानून से मेरा मार्गदर्शन करें देखें यहां पर जो है पचास साल से आप टैक्स दे रहे हैं ठीक है पिताजी के नाम से जमाबंदी है केवाला है अब जमीन किसी और के पास है पास है तो अब है कि वो आपको कब्जा वापस लेना है सब कुछ है एक हो, ये होता है कि ठीक है अगर जमीन को खरीदने वाला कोई है तो आप उसको बेच सकते हैं ये तो ठीक है एक विकल्प है तो ये आपको भी पता है आप ऐसा कर सकते हैं आखिर वो जमीन आप वापस कैसे पा सकते हैं तो आप क्या करेंगे आप सिविल कोर्ट में केस फाइल कर देंगे टाइटल का दावा कर देंगे है ना कि आपकी संपत्ति है क्यों आप जोत कर खा रहे हैं किस आधार पर कर खा रहे हैं क्या कागजात है आपके पास जब ये संपत्ति जो है पचास साल से आप टैक्स दे रहे हैं जमाबंदी है है ना केवाला है सब कुछ है आप खरीदे हैं आप उसके मालिक हैं, तो आखिर कोई कब्जा कैसे कर लिया किस आधार पे कब्जा कर लिया तो अगर ऐसा है तो उस व्यक्ति के पास किसी प्रकार का कोई प्रूफ तो होगा नहीं अब को वहां पर कोई जबरन किसी का संपत्ति तो नहीं कहेगा कि कोर्ट में जाके कि हम जबरन उसकी संपत्ति को कब्जा करके बैठे हुए बेठे हुए जब उसके पास कोई प्रूफ नहीं है तो आदेश दे दिया जाएगा खाली करने का नहीं करेगा तो प्रशासन के द्वारा खाली करवाया जाएगा तो होना ही है। तो इसलिए यहां पर आपको कोर्ट में दावा करना पड़ेगा यह सबसे बेहतर विकल्प है कि आपको ना लड़ाई करनी है ना कोई प्रक्रिया करना भाई जो भी होना है वो कानूनी तरीके से होना है वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक जरूर करते बेलाइकन उसको जरूर दबा लें मिलते हैं